मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करता हूँ कि कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें, जो बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से जो गलत तथ्यों को जो प्रसारित करते हैं उस पर ध्यान न दें। जनपद गौतम बुद्ध नगर में ओमिक्रॉन का एक केस कंफर्म हुई थी जीन सीक्वेंसिंग के माध्यम से। वो व्यक्ति ऑलरेडी नेगेटिव टेस्ट हो चुके हैं, उनके परिवार वाले पहले से ही नेगेटिव थे। आज की तारीख में ओमिक्रॉन का जीन सीक्वेंसिंग में कंफर्म्ड कोई केस वर्तमान में नहीं है। और जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की बात करें, 11,748 इंटरनेशनल ट्रैवलर ऐसे थे जो अन्य राष्ट्रों से हमारे जनपद में आए थे। उसमें 2527 ऐसे व्यक्ति थे जो हाई रिस्क कंट्रीज से आए थे, जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट या जहां पे वेरिएंट ऑफ कंसर्न प्रचलित थी। इन सब की टेस्टिंग के बाद इनमें से 16 लोग पॉजिटिव आए थे। इनमें जब जीन सीक्वेंसिंग से जो रिजल्ट आया है उनमें कोई ओमिक्रॉन वेरिएंट कंफर्म नहीं हुई है, ओमिक्रॉन वेरिएंट की व्यक्ति नहीं। कि हमारे पास जैसे बेड्स आप देखेंगे, ये भी मैं जनता के समक्ष बताना चाहता हूँ कि कोविड से संबंधित इलाज के लिए बेड्स तो पर्याप्त मौजूद है, 3,000 से अधिक बेड्स जनपद में मौजूद है। बट आप अगर आप पूछेंगे कि आज की तारीख में कितने लोग कोविड से रिलेटेड इलाज पाने के लिए बेड्स की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि बराबर, क्योंकि आप सबके पास, आप सब यहाँ रहते भी है, आप जानते भी है, देश के विभिन्न लोगों से आपके पास फोन आ जाती कि हमें बेड दिला दो। तो अतः आज की तारीख में कोविड रिलेटेड बेड्स के लिए डिमांड नहीं है। लगभग जैसे कोविड-19 हॉस्पिटल में ही 300 बेड की हॉस्पिटल है, आज की तारीख में वहाँ कोई भी एक भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनको कोविड संबंधित इलाज चल रही हो। तो 16 लोग जो एडमिट भी है उनको, क्योंकि उनको अन्य कोमॉर्बिडिटी है या उनको इंटरनेशनल रिटर्न इस है तो कंपलसरीली हमें रखना है, तो उन कारण की वजह से उनको वहां रखा गया, ना कि कोविड की इलाज। हमें अंडर एस्टिमेट करनी चाहिए, हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और जो रिस्ट्रिक्शंस ये लगाए जा रहा है वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए लगाया जा रहा है कि हम जो भी कदम उठाएं एक सतर्कता के साथ, एक केयरफुलनेस के साथ, जैसे कहते हैं ना, इट इज बेटर टू बी सेफ। सो इसीलिए जनता की, समाज की सेफ्टी के लिए ये सारे कदम उठे। सिचुएशन बढ़ता है तो हमारे लिए क्या सुविधा है, आपने बहुत, उसमें कितने हॉस्पिटल ऐसे हैं? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। हमारे पास जो डैशबोर्ड है, हमारे पास 20 से अधिक हॉस्पिटल में 3,000 से अधिक बेड तैयार है, बट आज की तारीख में उसकी आवश्यकता नहीं है। परंतु इन हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, इन हॉस्पिटल्स में बेड्स की व्यवस्था हो, इन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की व्यवस्था हो, ये सारे तैयारी पहले से की जा चुकी है और ये एक तैयारी व्यवस्था हमेशा रहेगी ही रहेगी। बट जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक बात है, हमें तैयारी हर हालत के लिए करनी चाहिए, हर इवेंचुअलिटी के लिए करनी चाहिए। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कोविड को लेके डिटेल गाइडलाइंस है, प्रत्येक वोटर के लिए, खासतौर पे पोलिंग बूथ में जो आवश्यक व्यवस्था होनी चाहिए और वोटर के लिए जो गाइडलाइन है, वो हम आपको डिटेल गाइडलाइन दे देंगे। तो वो जनता से भी अनुरोध है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो हम, वो इनफैक्ट वो दुकान में जाए या हम कहीं भी जाए, वोटिंग करने जाए, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसमें दूरी का हो, उसमें मास्क का हो, सैनिटाइजर का हो, कोविड हेल्प डेस्क का हो, वो सारे पालन किए जाए। गौतम बुद्ध नगर में पूरे NCR क्षेत्र में वन ऑफ द हाईएस्ट रहता है। हम आप पर मिलियन पॉपुलेशन अगर हमारी सैम्पलिंग देखते हैं तो आप पूरे NCR की कोई भी जनपद ले लीजिएगा तो उसमें हमारा 3,000 से 4,000 पर मिलियन पॉपुलेशन पर सैम्पलिंग रहती है पर डे। इतना आपको अन्य जनपद में नहीं मिलेगा। हमारी अगर कल ही की अगर सैम्पलिंग आप देखें, प्राइवेट लैब्स की सैम्पलिंग छोड़कर लगभग 7,500 सैम्पलिंग सिर्फ गवर्नमेंट में की गई है, एंटीजन और RT-PCR सैम्पलिंग। बट सैम्पलिंग तो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। और गौतम बुद्ध नगर में क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, इसीलिए कभी कभी आपको केस की ज़्यादा संख्या भी दिखती होगी, क्योंकि यहाँ केस आइडेंटिफाई भी करते हैं, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा संख्या में प्राइवेट लैब्स है, वो केसेस निकालते हैं तो हम उनको आइसोलेट करते हैं। इसलिए एक सफल स्ट्रेटेजी भी है, आप अगर केस जल्दी निकालते हैं आप उनको आइसोलेट कर देंगे, उनकी कॉन्टैक्ट, अगर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की अगर हम बात करें, गौतम बुद्ध नगर में पर कोविड जो व्यक्ति है उनके 18 कॉन्टैक्ट्स को हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। इसको और बढ़ा के 20 से 25 करने के लिए चिकित्सा विभाग को निर्देशित किया गया है, बट उन सबको हम टेस्ट करते हैं, आइसोलेट करते हैं। इसी वजह से जो हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है तो वो काफ़ी कम हुई है। सही बात जनपद की वैक्सीनेशन की, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है।
फर्स्ट डोज लगभग सबको लग चुकी है अगर प्रतिशत में देखें तो, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में बाहर के भी बहुत लोग आके लेते हैं, माइग्रेंट पॉपुलेशन है, लगातार जनता आती रहती है, तो 125% हम लोगों ने अचीवमेंट किया है। और दूसरी डोज की भी अचीवमेंट 89% है, जो 11% लोग बचे हैं, तो उनके लिए एक अभियान चला के अगले 10 दिन के अंदर 100% वैक्सीनेशन डबल डोज करने का हमारा लक्ष्य है। और अभी जो शासन ने निर्णय लिया है 15 से 18 के आयु वर्ग के जो बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए, तो वो लगभग 1,15,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं या उस आयु वर्ग के लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन हमें करना है, उनमें भी प्रगति तेज़ी से हम लोग कर रहे हैं। तो जनवरी 20 तक वो भी कंप्लीट करने के लिए है, जनवरी 10 के बाद हम लोग बूस्टर डोज जो फ्रंटलाइन वर्कर्स या हेल्पलाइन वर्कर्स जो इलेक्शन में भी जो इन्वॉल्व होंगे उनको वैक्सीनेशन लगाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करूंगा, हालांकि गौतम बुद्ध नगर में बहुत कम लोग ऐसे बचे हुए हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं है, परंतु अगर कोई भी बचे हो आपके आसपास ही, कोई माइग्रेंट लेबरर्स बहुत आते हैं, कोई भी अगर ऐसे आपके संज्ञान में है तो उनको भी प्रेरित करिएगा हमारे वैक्सीनेशन साइट्स। जो कल से 6 जनवरी से जो रिस्ट्रिक्शन लागू होगा गौतम बुद्ध नगर में 1,000 एक्टिव केस होने के वजह से, एक तो नाइट कर्फ्यू 10 बजे से लेके 6 बजे तक सुबह तक रहेगा, और जितनी भी दुकान है या शॉपिंग मॉल है वहाँ पे एक अभियान चलाया जाएगा, मास्क नहीं तो सामान नहीं, तो इसके लिए व्यापार कर विभाग को नोडल बनाया गया है। तो ये सारे आम जनता को एक मास्क पहनने का और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन करने के लिए प्रचार प्रसार कराया जाएगा। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम और निगरानी समितियों को एक्टिवेट की गई है, RWS EOS से निरंतर चर्चा करते हुए अगर कोई सिम्टोमेटिक व्यक्ति है जिनको कोई चिकित्सा की आवश्यकता है तो उसको उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। स्विमिंग पूल, वाटर पार्क तथा जिम्स को कल से फिलहाल के लिए 14 तारीख के लिए अभी बंद रखा जाएगा, और जितने भी रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल है उनमें 50% क्षमता तक के लिए लोग अनुमन्य रहेंगे, उनको कोविड हेल्प डेस्क रखनी होगी और सैनिटाइजर और बाकी जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको पालन करना पड़ेगा। सर ये जिम और क्या बताया आपने 14 तारीख तक? सिनेमा हॉल तथा वो बंद जो रहेगा वो स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, जिम बंद रहेगा, और जो 50% क्षमता में आपके रेस्टोरेंट है सिनेमा हॉल रहेगा। और 10वीं कक्षा तक 6 जनवरी से 14 जनवरी तक जो फिजिकल स्कूल्स है वो बंद रहेगी, और यहाँ IT सेक्टर की कंपनीज के लिए एडवाइजरी जारी की जाएगी कि वो वर्क फ्रॉम होम प्रोत्साहित करें, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों को ऑफिस आने की आवश्यकता रहती है तो उनको रोका नहीं जाएगा, ना ही उनको कोई पास की आवश्यकता है, परंतु वर्क फ्रॉम होम जितना ज़्यादा हो सकता है उसको प्रोत्साहित उनके जो एसोसिएशन है, नेस्कॉम है और IT सेक्टर की कंपनी से उनके माध्यम से किया जाएगा।